लाइफ में ना दो तरह के लोग होंगे, एक तो जो आपके बुरे मौके पे बुरे हालात पे आपका साथ देंगे, दूसरा जो उसी समय आपको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, आपके बुरे समय का फुल फायदा उठाएंगे। अगर आपको धूप की तरह चमकना है तो पहले धूप की तरह जलना होगा। अगर हीरे की चमक देखना है तो पहले रात होने दे, क्योंकि धूप में तो कांच भी चमकते हैं। आपके पास चाहे जितना भी बुरा समय आ जाए, जिसने उस बुरे समय पर हंस कर मुस्कुरा लिया, उससे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है। अगर आप जिंदगी से ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि मैं जो चाहूँ वो मिल जाए, तो कभी नहीं मिलेगा। अगर आप जिंदगी से ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि मैं जो चाहूँ वो मिल जाए, वो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिंदगी आपको वो देगी जो आप है। जो भी करो, कुछ भी करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हारा पैशन है, प्लीज उसको जरूर फॉलो करो। आज नहीं तो कल, वरना बहुत पछताओगे। जब आपकी एज, जब आपका राइट टाइम निकल जाएगा ना, तब सर पे हाथ रखोगे, मेरे से क्या हो गया। आपके विचार जब तक नहीं बदलेंगे, जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे। जिस दिन आपने अपने विचार को बदल दिया, उस दिन आप अपने आप खुद बदल जाएंगे। जिंदगी चाहे जैसी भी हो, उसको दोष मत दो यार। क्योंकि आपके पास तो सही सलामत हाथ पैर भी हैं। जरा उनके पास जाके देखो जिनके पास हाथ पैर नहीं है। सब कुछ दिमाग का खेल है, यही आपको विजयी बना सकता है और यही आपको नीचे गिरा सकता है। तो आप अपने दिमाग पर, अपने काम पर अपने ध्यान दे। यही आपको हंसा सकता है, यही आपको रुला सकता है और यही आपको सबसे ताकतवर बना सकता है। जिंदगी में आए हो तो जीना ही पड़ेगा। वक्त के लिए, दो रोटी के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। समय अगर आपका खराब है ठीक है, मैं मानता हूँ, मगर एक दिन ऐसा भी समय आएगा जब आपका समय बलवान होगा। बस उसके लिए आपको हिम्मत रखना है, हौसला रखना है और उसके ऊपर काम करना है कि मैं आगे कैसे बढूं। जिंदगी चाहे जैसी भी हो यार, आज नहीं तो उसका हल कल निकलेगा। अगर तू कोशिश ही नहीं करेगा, मरुस्थल से कैसे जल निकलेगा। प्लीज कोशिश कर, देख एक दिन मरुस्थल से भी जल निकलेगा। बस तू मेहनत कर, आज नहीं तो कल उसका हल निकलेगा। जब जब आप फील करो कि मुझे बहुत लोग गिराने आ रहे हैं, तब तब उन लोगों को आप कट ऑफ करना स्टार्ट कर दो। वही आपके जिंदगी के बेस्ट बुरे लोग हैं। लाइफ एक खेल है यार, जो इस खेल को खेल गया वो खिलाड़ी बन गया। जब जब आपके हेटर्स आपसे जलने लगे या आपको कुछ और बुरे वर्ड्स, सो कॉल्ड वर्ड्स बोलने लगे, तो इट्स ओके यार, समझ लेना आप उनसे कहीं ज्यादा तरक्की पर हो। अगर आप मांग के किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो और अमीर बनना चाहते हैं तो भूल जाओ बॉस, क्योंकि अगर आज भिखारी भी मांग के अमीर बनना चाहता तो कब का बन गया हो। मान लो जिस दिन आपने कुछ काम शुरू किया था और आपने उस काम का मन लगना हट गया है, आप याद करना उस दिन कि मैंने ये काम क्यों स्टार्ट किया था। और जो लोग आपकी बुराई किए थे, उनको बताना है कि मैंने ये काम क्यों स्टार्ट किया था। जब भी लो फील करो, थोड़ा थके हुए, अब मन नहीं कर रहा है, साइड में बैठ जाना, आराम कर लेना, मगर अपने काम को पूरा जरूर करना बॉस, वरना दुनिया के लिए मजाक बन के रह जाओगे। और ये टाइम पे लोग ऐसे हैं कि आपका बस पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि किस तरह मजाक बनाए और आपको खिल्ली उड़ाए। थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए, और अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड थैंक यू सो मच।